हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स के दौरान अगर ब्लड ज़्यादा आता हो तो क्या करें। हम आपको हमारे पिछले वीडियो को 1 मिलियन व्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, जो कि टॉपिक था कि पीरियड में ब्लड कम क्यों आता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीरियड्स में अगर ब्लड ज़्यादा आता है तो उसका क्या कारण है, क्यों आता है, आप उसका क्या इलाज करवा सकते हैं और उससे कैसे निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड्स में ब्लड ज़्यादा आने के कई कारण हो सकते हैं, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीरियड में ब्लड ज़्यादा आना कहेंगे किसे, मतलब कितना आप कैसे असेसमेंट करेंगे कि ये ज़्यादा है या कम है। जो नॉर्मल एवरेज महिला होती है, जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मली 60 से 80 ml तक ब्लीडिंग होती है, यानी कि दिन में आप 2 या 3 पैड अगर आपके रूटीनली ख़राब हो रहे हैं और 3 से 5 दिन की ब्लीडिंग है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 2 घंटे के अंदर ही 3-4 पैड ख़राब हो रहे हैं, या आपको एक्स्ट्रा पैड टेम्पून भी यूज़ करने पड़ रहे हैं, या आपके कपड़े या आपके बेड्स पे या और भी कहीं आपको ब्लड स्टेनिंग हो रही है और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर आपको बड़े बड़े क्लॉट्स यानी कि खून के थक्के पास हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग जो आपको हो रही है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी कि उसको हैवी फ्लो भी कह सकते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा कह सकते हैं, भारी पीरियड्स कह सकते हैं, या मेडिकल टर्म में इसे हम मीनोरेजिया कहते हैं या फिर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी कहते हैं। अगर आपको ये असेसमेंट होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, दूसरा ये कि हो सकता है कि आपको नॉर्मली 3 से 4 तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर कभी कभी आपको 7-8 दिन तक लगातार ब्लीडिंग चल रही है और वो 2 से 3 पैड अगर आपके ख़राब हो रहे हैं, तो वो भी एक भारी ब्लीडिंग के अंदर या हैवी ब्लीडिंग के अंदर या ज़्यादा भारी पीरियड आने में ही काउंट होता है। अब आपके दिमाग में दूसरा जो नेक्स्ट सवाल आता है वो ये आता है कि आखिर ये ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, कि जनरली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन हार्मोन्स के अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड का मीनिंग बच्चेदानी में गांठ का होना, यूटेराइन पॉलिप हो सकते हैं। यूटेराइन पॉलिप्स के बारे में हमारे पिछले वीडियो में हमने एक बार आपसे बात की है, तो आप हमारे यूट्यूब के लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फाइब्रॉइड पॉलिप, इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर भी हो सकता है, या फिर PCOD की बीमारी होती है जिसकी वजह से भी पीरियड्स के अंदर या तो पीरियड आता ही नहीं है और आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी आता है। PCOD का भी हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाकर आप PCOD के बारे में जान सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन पॉलिप होना, या ओवेरियन सिस्ट, या PCOD, या फिर बहुत रेयर है कि मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर। ये मोस्ट कॉमन कारण हैं जो जनरली पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने IUCD लगा रखी है यानी कि कॉपर टी लगा रखी है, तो वो भी एक हैवी ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके रिसेंटली प्रेगनेंसी हुई है और प्रेगनेंसी के बाद आपने कोई MTP किट या अबॉर्शन लिया है, तो हो सकता है कि उसके कुछ पीसेस, कोई टुकड़े रह गए हों, RPOCs जिसे बोलते हैं, तो RPOCs भी एक कारण होते हैं हैवी ब्लीडिंग होने का। या फिर पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट अबॉर्शन, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की गड़बड़ के कारण, यानी कि हाइपोथायराइड के अंदर या जिसमें TSH का वैल्यू बढ़ जाता है, उसमें भी ब्लीडिंग थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। या फिर आपको कोई कॉएगुलोपैथी का मतलब आपको ब्लड यानी खून जमने का कोई डिसऑर्डर हो, यानी कि ऐसी कोई बीमारी जैसे कि आपका चोट लगने के बाद या तो आपका खून रुकता नहीं हो, या ऐसे कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो खून जमने के लिए, या क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट बनाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, तो उनका कोई डिसऑर्डर या उनकी कोई बीमारी है, तो उनकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। और कई पेशेंट्स में जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो एनीमिक पेशेंट्स में नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये कुछ एक नॉर्मल कारण है जिसको हम सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मोस्ट कॉमन कारण होते हैं जिनको हमें रूल आउट करना चाहिए। अब आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है और आपको कोई कारण हो सकता है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, डॉक्टर की सलाह लें। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पूरी हिस्ट्री क्लियर दें। आपको हमेशा अपनी पीरियड्स के डेट मेंशन करनी चाहिए कि मेरे को इस तारीख को पीरियड आया था, इस तारीख तक चला, एक दिन में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 पैड ख़राब हुए, क्लॉट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पीरियड्स के दौरान दर्द है या नहीं है। तो इस तरीके के कई कारण होते हैं, कई हिस्ट्री होती है, कई टॉपिक्स होते पॉइंट्स होते हैं जो डॉक्टर आपसे जानना चाहता है, तो आप उनके लिए प्रिपेयर होके जाएं। क्योंकि कई बार आप बैठते हैं फिर आपको लगता है कि डेट्स याद नहीं आ रही है, कितने दिन एग्जैक्टली ब्लीडिंग हो रही थी, कितने नहीं हो रही थी, वो एग्जैक्टली आप बता नहीं पाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें तैयार करके जाएं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता चल पाता है कि बच्चेदानी के अंदर गांठ या बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप, ओवेरियन सिस्ट या पीसीओडी या कैंसर या कई सारी बीमारियों का पता सिर्फ अल्ट्रासाउंड से चल पाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर की सलाह पे सोनोग्राफी ज़रूर करवाइए। और सोनोग्राफी में जनरली जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्रेफर करते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का जो वैल्यू है यानी कि जो रिपोर्ट है वो एमआरआई के कंपैरेबल होता है, यानी एमआरआई के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी को प्रेफरेंस दी जाती है। उसमें हाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है आपको, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड ना करें, उससे आपका रिपोर्ट अच्छा आएगा। सोनोग्राफी के साथ ही एक सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, प्लेटलेट काउंट्स कितने हैं, तो आपका खून की एक जांच होती है जिससे सीबीसी में अपने को हीमोग्लोबिन वगैरह अपने को पता चल जाएगा, तो सीबीसी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक थायराइड हार्मोन का टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दो मोस्ट कॉमन कारण हैं कि कोई बच्चेदानी की कोई एबनॉर्मलिटी हो या थायराइड। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि सबसे पहली विजिट पर सबसे पहली बार डॉक्टर आपके करवाते हैं, यानी कि एक सीबीसी, एक थायराइड हार्मोन का टेस्ट और एक सोनोग्राफी यानी कि टीवीएस। ये तीन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इनके लिए मना ना करें, क्योंकि इनके बाद ही आपका इवैल्यूएशन होगा। अब इसके अलावा जब सोनोग्राफी हो जाती है और सोनोग्राफी में आखिरकार कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि कोई गांठ है या कोई पॉलिप है या और कुछ बीमारी निकल रही, कोई सिस्ट है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको इलाज आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। छोटी गांठ वगैरह का मेडिसिन से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी गांठ है, कोई फाइब्रॉइड है, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, तो फिर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है। ओवेरियन सिस्ट भी कई प्रकार की हो सकती है, जो कि हमने एक अलग वीडियो में बात की है, तो आप उस वीडियो में जाकर ओवेरियन सिस्ट के बारे में समझ सकते हैं। और फाइब्रॉइड्स का भी एक हमने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके यूटराइन फाइब्रॉइड्स के वीडियो के बारे में भी जान सकते हैं। फाइब्रॉइड का जनरली एक ही इलाज होता है कि उन्हें सर्जिकली यानी कि ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाए। ओवेरियन सिस्ट में अगर पानी की गांठ है तो उसको नॉर्मल दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर और किसी प्रकार की गांठ है तो उसके लिए अपने को हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े। ओवेरियन सिस्ट में एक बहुत बड़ा कारण होता है एंडोमेट्रियोमा या एंडोमेट्रियोसिस नाम की भी एक बीमारी होती है, जो बच्चेदानी के आसपास या बच्चेदानी के पिछले हिस्से में ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी सिकुड़ नहीं पाती और दर्द भी काफ़ी होता है और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस को भी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 में से एक महिला के अंदर एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है, और उसका सोनोग्राफी के साथ साथ आपके सिम्टम्स के को मिलाकर उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। अगर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको कि एडिनोमायोसिस बोला जाता है, तो एडिनोमायोसिस भी एक कारण है जिसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग यानी कि भारी पीरियड्स आते हैं, तो इसका भी पता हमें सोनोग्राफी से ही पता चल पाता है। तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवा लें ताकि आपका डायग्नोसिस बन सके, और डायग्नोसिस के साथ ही आपका इलाज भी डिसाइड हो सके कि एग्जैक्टली आपको क्या इलाज चाहिए। कई बार पॉलिप्स की समस्या होती है तो उसका दूरबीन से, नीचे से दूरबीन डालकर यानी कि हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिप रिमूवल किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिप रिमूवल का भी एक हमने वीडियो बनाया है, तो आप उस पर जाके हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिप रिमूवल को समझ सकते हैं कि आखिर हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा यानी कि नीचे से बच्चेदानी के रास्ते से दूरबीन डालकर पॉलिप को कैसे हटाया जाता है। और अगर आपको पॉलिप है तो उसमें पूरा बच्चेदानी हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूरबीन डाल के पॉलिप को हटा लिया जाता है, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए और बच्चेदानी को बचाया जा सके। अब इसके अलावा अगर हमें लगता है कि कैंसर की कोई समस्या हो सकती है, तो उसके लिए फिर अंदर से बायोप्सी ली जाती है, यानी कि टुकड़े की जाँच, एक नॉर्मल भाषा में उसे बोला जाता है। अंदर से छोटा सा पतला पाइप डालकर बच्चेदानी के रास्ते से अंदर से सैंपल लिया जाता है, सिरिंज में एस्पिरेट किया जाता है, जिसको कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी बोलते हैं। उसका 3 से 5 दिन के अंदर रिपोर्ट आता है। डेफिनेटली देन वी कैन गारंटेडली से कि हम बता सकते हैं आपको कन्फर्मेटरी कि देर इज़ अ मतलब कैंसर है या नहीं है, यानी कि इज देर एनी मैलेग्नेंसी और नॉट, ये बायोप्सी के द्वारा ही पता चल पाता है। और रूटीनली एक बच्चेदानी के मुँह के कैंसर की जाँच होती है, जैसे कि लिक्विड पैप स्मियर यानी कि पैप स्मियर बोला जाता है। तो पैप स्मियर नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जैसे ही आपको डॉक्टर लिटा के देखती है, पैल्विक एग्जामिनेशन करती है, उसी टाइम पे सबसे पहले ये टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी के मुँह के कैंसर का यानी कि सर्वाइकल कैंसर का पता लगता है। कई बार ये हैवी ब्लीडिंग का कारण तो नहीं होता है, बट हाँ स्पॉटिंग का या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का यानी कि हस्बैंड से मिलने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसका कारण होता है। लेकिन 3 साल में हमें ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है करवाना, ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार वालों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकें।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आपको पीरियड्स हैवी आता है तो आपको फॉलो करनी चाहिए। जब भी आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, नॉर्मल पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा क्लॉट्स हैं, ज़्यादा दिन तक आ रहे हैं, ज़्यादा टेम्पून या ज़्यादा पैड्स आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जो डॉक्टर ने आपको बेसिक टेस्ट आपको बताती हैं वो ज़रूर करवाने चाहिए, और उनके अकॉर्डिंगली जो टेस्ट में रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो आपको थायराइड की मेडिसिन खानी चाहिए। खून की कमी है तो खून बढ़ाने के लिए आपको आयरन की गोलियाँ या आयरन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वो लेनी चाहिए। कुछ ताकत की दवाइयाँ जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, ये सब भी आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि आपका बॉडी का रिकवरी हो सके। इसके साथ में अगर फाइब्रॉइड पॉलिप या ओवेरियन सिस्ट या और कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी निकलती है जिसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आपको ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि अगर हैवी ब्लीडिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और फिर आपका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आपको ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो हीमोग्लोबिन कम से कम 10 पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट के नीचे है तो डेफ़िनेटली ऑपरेशन करने के लिए खून बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो खून बढ़ाने के लिए या तो आयरन की गोली ली जाए या इंजेक्शन लगाया जाए या ब्लड लगाया जाए। आयरन की गोली और इंजेक्शन लेने में हमेशा टाइम लगता है खून बढ़ाने में, तो जो सबसे फास्ट तरीका है हीमोग्लोबिन बढ़ाने का दैट इज़ अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि आपको खून चढ़ाया जाए। खून चढ़ाने के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो अपन उस स्थिति में लैंड अप ना करें इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति के अंदर, और टाइम पे ही अगर अपने को पता चल जाए तो अपन तुरंत अपना इलाज करवा लें। आज के समय में सारे ऑपरेशन दूरबीन से संभव हैं जिसमें एक दिन में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। जनरली किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं होता है, आपका नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना एवरीथिंग इज़ अलाउड, सब कुछ आपको कोई भी परहेज़ नहीं बताया जाता है। 4-5 घंटे के बाद आपको नॉर्मल चाय पानी दे दी जाती है, दूसरे दिन आपकी छुट्टी हो जाती है और आप घर जाके अपना नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क यानी कि 1-2 दिन के बाद आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली बहुत हैवी वर्क आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको 5-7 दिन का रेस्ट चाहिएगा, लेकिन फिर भी सुपरफिशियली आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि आपको कोई दूसरा आदमी उठाएगा बिठाएगा लिटाएगा या आपकी केयर करने के लिए आपको कोई 2 आदमी बाहर से बुलाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यू कैन टेक केयर योर सेल्फ आफ्टर ऑपरेशन ऑल्सो, सो डू नॉट अवॉइड एनी ऑपरेशन प्रोसीजर इफ़ यू योर डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड यू, क्योंकि जब आपका डॉक्टर आपको समझाता है बताता है तो डेफ़िनेटली वो आपके भले के लिए आपको बताता है कि इस बीमारी का यही इलाज है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बीइंग अ लेडी, एक लेडीज़ होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना ध्यान सबसे पहले रखें, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड और कोई इशू है और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो डेफ़िनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आगे के वीडियोस का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।